रणबीर जी, जो आपने धरना यहाँ समाप्त कर दिया है, डीसी जो पंचकूला आए थे, उपाय क्या बातचीत हुई, किस तरह क्या निष्कर्ष निकला? हम कोई निष्कर्ष निकला, हमने सरकार को 5 दिन का टाइम दिया है। अगर 5 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम ऐसा कड़ा फैसला लेंगे जिससे सरकार की नींद आराम कर देंगे, केंद्र सरकार को भी जगाने का काम करेंगे, वैसा फैसला लेंगे। बाकी तो आज एक बड़ा आंदोलन किया गया था, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? 5 दिन के बाद किस तरह से यहाँ पर ही किया जाएगा या कुछ और? बहुत कड़ा फैसला लेंगे और जब तक मांगे नहीं मानी जाती, चाहे 1.5 साल लग जाए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम इस सरकार को झुका के ही दम लेंगे। तो बार बार जो है प्रदर्शन किया जाएगा जब तक सरकार नहीं झुकती? जब तक सरकार नहीं हमारी मांगे मानेगी, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और हम लोग ना दबेंगे ना झुकेंगे। तो अभी उपायुक्त पंचकूला ने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या बातचीत रखने की जरूरत? वो कह रहे थे कि सदन चल रहा है, मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, हमने 5 दिन का टाइम दे दिया, उसके बाद हम कड़ा निर्णय लेंगे। आने वाले समय में हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि उपायुक्त है वो हाथ आ रहे सरकार के नुमाइंदे ही होते हैं, मैंने इनकी बात सुन ली है और जो 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 बातें इन्होंने बताई हैं वो मैंने ऊपर सरकार को कन्वे कर दी हैं। अब क्योंकि सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय है वो शासन में बिजी हैं, तो अभी जो जो भी मुद्दे हैं, जो भी इनकी बातें हैं, वो सरकार को कन्वे कर दी। रोड खाली करेंगे सर, क्योंकि पहले भी 4 दिन तक रोड ब्लॉक रहा, तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आगे इस तरह की दिक्कतें ना हो, क्योंकि हाईकोर्ट भी इस मामले में कड़ा रुख अपना चुका है सर। अब इतने घंटे से रोड जाम है, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी देर तक इनको रोड खाली हो जाएगा, कब तक रोड खाली होने की संभावना, वो देखते हैं, बताते हैं। सर, आपकी तरफ से इन्हें क्या कहा जा रहा है, क्या आपकी तरफ से इन्हें आश्वासन क्या दिया जा रहा है? नहीं, मेरी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया, इनकी बात है वो सुनी गई है और ऊपर सरकार ने कन्वे कर दी। इनके क्या क्या डिमांड्स हैं सर? सारी डिमांड सब बदलते रहते हैं, कभी कहते हैं सारी बातें हैं, वो इन्होंने हर लेवल पे ज्ञापन दिए हुए हैं, वही बातें हैं। सर, बड़ा सवाल ये है कि रोड कब खाली करवा रहे हैं, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब रणबीर जी, जो आपने धरना यहाँ समाप्त कर दिया है, डीसी जो पंचकूला आए थे, उपाय क्या बातचीत हुई, किस तरह क्या निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष निकला, हमने सरकार को 5 दिन का टाइम दिया है, अगर 5 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम ऐसा कड़ा फैसला लेंगे जिससे सरकार की नींद आराम कर देंगे, केंद्र सरकार को भी जगाने का काम करेंगे, वैसा फैसला लेंगे। बाकी तो आज एक बड़ा आंदोलन किया गया था, तो आगे क्या रणनीति रहेगी, 5 दिन के बाद किस तरह से यहाँ पर ही किया जाएगा या कुछ और? बहुत कड़ा फैसला लेंगे और जब तक मांगे नहीं मानी जाती, चाहे 1.5 साल लग जाए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम इस सरकार को झुका के ही दम लेंगे। तो बार बार जो है प्रदर्शन किया जाएगा जब तक सरकार नहीं झुकती? जब तक सरकार नहीं हमारी मांगे मानेगी, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और हम लोग ना दबेंगे ना झुकेंगे। तो अभी उपायुक्त पंचकूला ने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या बातचीत रखने की जरूरत? वो कह रहे थे कि सदन चल रहा है, मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, हमने 5 दिन का टाइम दे दिया, उसके बाद हम कड़ा निर्णय लेंगे। आने वाले समय में हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे।